देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में स्थित दशाश्वमेध घाट पर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पर श्रद्धालु अपनी मुरादें पूरी करने के लिए ताला चढ़ाते हैं। इसके मुख्य द्वार पर लगे हजारों ताले इसके प्रतीक हैं। आइए जानते हैं मंदिर और ताले के पीछे की क्या कहानी है। कहते हैं कि धर्म और अध्यात्म की नगरी बनारस में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। शीतला घाट पर गंगा किनारे स्थापित बंदी माता का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालु कोर्ट कचहरी और बेवजह में फंसे मुकदमों से मुक्ति के लिए बंदी माता मंदिर में 41 दिनों का अनुष्ठान करते हैं और ताला चढ़ाते हैं। मान्यता ये भी है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र उच्चाटन कुछ भी किया गया हो, इस मंदिर में आकर 41 दिन अगर आप पूजा हृदय से करते हैं, दिल से करते हैं, पूरी आस्था से करते हैं, तो वो सब दूर हो जाती हैं और आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। दरअसल बंदी माता का प्राचीन मंदिर काशी खंड के पंचकोशी यात्रा के अंतर्गत आता है। यहाँ के प्रधान पुजारी दिनेश दुबे जी बताते हैं कि बंदी माता को पाताल की देवी के रूप में पूजा जाता है। भगवान राम और लक्ष्मण को जब अहिरावण अपहरण करके पाताल लोक ले गया था, तो अहिरावण जब श्री राम और लक्ष्मण को अपने इष्ट देवी के आगे बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर रहा था, तब प्रभु ने बंदी माता से विनती की थी कि माता, आपके आगे देवताओं की बलि दी जाने वाली है, हमारी रक्षा करिए और हमें बंधन से मुक्त कीजिए। तभी माता बंदी ने हनुमान जी को यहाँ पर मदद के लिए भेजा। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को बंधन से मुक्त कराकर अहिरावण का वध किया। पुजारी दिनेश दुबे जी फिर बताते हैं कि जब काशी की स्थापना भगवान शंकर कर रहे थे, तब अलग अलग देवी देवताओं को यहाँ पर बसने का आमंत्रण दिया जा रहा था। तभी माता को आग्रह करके यहाँ पर स्थापित किया। तब से माता का यह प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थापित है और लोगों को बंधनों से मुक्त होने का आशीर्वाद दे रहा है। पुजारी जी का कहना है कि मंदिर के मुख्य द्वार पर बंद हजारों ताले उन हजारों लोगों की आस्था का प्रतीक हैं जो बंदी माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। अब तो विदेशों से भी लोग बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आने लगे हैं। इस मंदिर में कोर्ट कचहरी और बेवजह के फंसे मुकदमों से मुक्ति के लिए लोग 41 दिनों का अनुष्ठान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि 41 दिनों तक यहाँ नियमित दर्शन करने से मनचाही मुराद की पूर्ति होती है। इसी अनुष्ठान की पूर्ति की शुरुआत यहाँ पर लोग एक ताला बंद कर करते हैं। ताला बंद करने के बाद यहाँ पूजा करते हैं और अपनी मन्नत को माँ के आगे रखते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद लोग यहाँ आते हैं और ताला खोलते हैं और उसे चाबी के साथ गंगा में प्रवाहित करके माता का श्रृंगार और भोग करवाते हैं। यही वजह है कि अनादिकाल से काशी में बंदी माता मंदिर को ताले वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि हमारी आस्था माता से अटूट है, हमारी मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं, हम यहाँ पर आकर 41 दिनों का अनुष्ठान पूरा करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। तब श्री राम और लक्ष्मण जी ने माँ की स्तुति की, बंदी मोचन का पाठ, और माँ बंदी से आग्रह किया कि हे भगवती, हमारी प्राणों की रक्षा करें और हमारे संकट हमें अहिरावण के कारागार से मुक्त कराएं। तब माँ बंदी आई और हनुमान जी के साथ मिलकर अहिरावण का वध हुआ और राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण के कारागार बंधन से मुक्त किया। और तब त्रेता युग में जब काशी बस रहा था, तब बाबा विश्वनाथ और विष्णु भगवान ने स्वयं आग्रह किया माँ भगवती बंदी देवी से कि हे माँ, कलयुग में हर कोई अपने घर परिवार में कोर्ट कचहरी बंधन बाधा में परेशान होगा। अगर वो सच्चे मन से अगर आपके यहाँ आकर विनती करे और दर्शन करे तो किसी भी बंधन से मुक्त हो सकता है। ये बंधन की देवी है बंदी माँ। ओके, किसी भी प्रकार के बंधन से, कोर्ट कचहरी, प्रकार के कोर्ट, जेल, योग या कुछ भी हो, किसी प्रकार का बंधन, मरण मोहन उच्चाटन किसी भी क्रिया से हो, चाहे बच्चा ना होता हो, शादी ब्याह ना होता हो, दुकान में किसी भी कार में अगर परेशानी है, तो अगर वो सच्चे मन से 41 दिन दर्शन करे, बंदी देवी का आवाहन करे, तो किसी भी बंधन से मुक्त हो सकता है। अच्छा,
माँ का ऐसा ही मतलब ये है। एक सवाल मैं करूँगा आपसे, ये जो मानसिक बंधन भी एक बंधन होता है, तो क्या इससे भी मुक्ति के लिए नाम ही है बंदी देवी, बंधन की देवी है। जब श्री राम को इतनी बड़ी बंधन से मुक्त किया माने, अहिरावण के कारागार से, बंधन से, तो ये हर चीजों के लिए है बाबा। इसीलिए ने बाबा विश्वनाथ ने इसीलिए आग्रह किया भगवती से कि हे माँ, कलयुग में हर कोई मानसिक से लेके हर तरीके प्रताड़ना से, बंधन से होगा, अगर वो सच्चे मन से विनती करे तो किसी भी बंधन से मुक्त। अच्छा गुरु जी, मैंने अभी वहाँ एक श्लोक में पढ़ा कि प्रयागराज से स्नान करके यहाँ, तो उसका भी एक महत्व है। यहाँ पे सिर्फ बंदी देवी नहीं है, नीचे ये शिवलिंग है, ये प्रयागराज है, प्रयागेश्वर महादेव है। ये शिवलिंग जो बड़े वाले हैं हमारे, ये महादेव जी, ये प्रयागेश्वर महादेव है। और बगल में माँ के वो प्रेणी माधव है, विष्णु भगवान। ये प्रयागेश्वर महादेव, इनके ये स्त्री के, जब हमारे काशी में जो लोग वृद्ध हो जाते हैं मलमास और मार्ग में, जो लोग कलपवास करने इलाहाबाद नहीं जा पाते, नीचे प्रयाग घाट है, वहाँ स्नान करके जल ले आके प्रयागेश्वर महादेव को चढ़ाने से उनको वही एक महीना मार्ग का फल मिलता है। अच्छा, इसका उल्लेख गुरु जी किया गया है काशी खंड में। तो काशी खंड में जैसे संपूर्ण बनारस के मंदिरों का ऐतिहासिक जो महत्व है, उसका वर्णन किया गया है काशी खंड में जी। तो इसमें बंदी माता का भी वर्णन जी, काशी खंड में माँ का है। 10 महाविद्या में बंदी देवी का सबसे ऊपर महत्व है, बंदी महाविद्या 10 महाविद्या में बंदी सबसे ऊपर है, फिर बिंदवासिनी, फिर पीतांबरा। तो ये जो बता रहे हैं आप महादेव जी हैं, ये कहाँ के स्वरूप है महादेव जी? ये प्रागेश्वर महादेव है, प्रयागराज ना, ये प्रयागराज। तो यहाँ क्या होता, मतलब इनका क्या, मतलब यहाँ महत्व ये क्या दर्शन कर? हमारे काशी में जो लोग वृद्ध हो जाते हैं, कलमवास नहीं कर पाते इलाहाबाद, टेंट में जाके स्नान नहीं कर पाते इलाहाबाद में कलमवास, वो अगर नीचे प्रयागराज से जल ले आके स्नान करके मार्ग भर यहाँ चढ़ाते हैं, उनको वही फल मिलता है 7 गुना, उनको मार्ग का 7 गुना फल मिलता है यहाँ पे। वही मतलब वही फल मिलेगा जो प्रयागराज नहीं जाता, प्रयागराज में मिलेगा। इधर जो वहाँ पे है इलाहाबाद में प्रागेश्वर महादेव है, बेड़ी महादेव अच्छे भट्ट, तीनों लोग यहाँ है। अच्छा, ये बगल में देखिए, ये अच्छे भट्ट है, बासुकी नाथ है, ये बाबा को जल चढ़ाने से। हाँ, ये बाबा को काशी में प्रयाग घाट से जल ले आके स्नान करके लोग जल ले आके चढ़ाते हैं प्रयाग घाट से। ये नीचे दशाश्वमेध घाट के जस्ट बगल में है प्रयाग घाट है। वहाँ का महत्व ये है कि वहाँ भी शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है, वो घाट नामी है उनका, प्रयागेश्वर घाट, वहाँ से स्नान लोग करते हैं और माघ भर जल ले आकर बाबा को चढ़ाते हैं, उनको वही माघ का 7 गुना फल मिलता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ मैं प्रतिमा में एक चीज देख रहा हूँ गुरु जी, जैसे माँ बंदी देवी हैं, उनके बगल में दो और उनकी प्रतिकृति लगी नहीं है। क्या है कि इस समय बहुत अच्छे समय आप लोग भी आए हैं, इस समय गुप्त नवरात्र चल रहा है। गुप्त नवरात्र का ये 8वां दिन है, अष्टमी है आज जी, जी। तो जैसे नौ, हर बार नवरात्रि में 9 दिन का 9 रूप का दर्शन होता है माँ का जी, तो उसी प्रकार आज अष्टमी में माँ का 3 रूप का दर्शन हो रहा है। अच्छा, 3 रूप का दर्शन है जी, हर एक दिन पहला दिन से लेकर 9वीं तक में अलग अलग रूप का अलग अलग दर्शन कराया जाता है। अच्छा, जी, एक जानकारी मैं चाहता हूँ कि जैसे जो 10 महाविद्या है जी, तो उनमें एक पीतांबरा देवी भी हैं, बिंदवासिनी भी है, हाँ, माँ बिंदवासिनी देवी भी हैं, बंदी बिंदवासिनी पीतांबरा, यही कलयुग की 3 देवी हैं। बंदी देवी, बंदी बिंदवासिनी पीतांबरा, बिंदवासिनी में विंध्याचल माता, क्या है पीतांबरा, जैसे अपनी बंदी माता है सबसे ऊपर तंत्र में, बंदी माता को बंधन की देवी है। अच्छा, बिंदवासिनी रिद्धि सिद्धि घर में सुख शांति के लिए, पीतांबरा जब कोई अगर आपके दुश्मन या कोई भी अगर आपका सामने वाला प्रतिद्वंदी अगर किसी तरह आपको बर्बाद करना चाह रहा हो या परेशान कर रहा हो, तो अगर पीतांबरा की अगर आराधना की जाए तो वो उससे मुक्त हो सकता है। ये पीतांबरा पीठ वही ना दतिया में जो? नहीं नहीं, ये पीतांबरा हमारे काशी में है, संख्या मंदिर के बगल में पीतांबरा मंदिर भी है। अच्छा, पीतांबरा देवी। अच्छा अच्छा, सीढ़ी चढ़ के संख्या मंदिर से पहले ऐसे साइड में आपका ऊपर सीढ़ी चढ़ के पीतांबरा देवी का बहुत बड़ा स्थान है। अच्छा, वैसे तो ये जो कहा जाता है और मैंने सुना भी है कि दुनिया भर में जितने भी देवता हैं, अमरनाथ का भी यहाँ मंदिर है, सभी सारे देवता काशी में हैं। जैसे आपका मलमास लगता है, 1 महीना मलमास चलता है, अभी आने वाला है, 3 साल पे एक बार मलमास लगता है, तो उस समय बाबा विश्वनाथ की चौकी लगती है, सारे देवता पूरे ब्रह्मांड के देवता 1 महीना काशी में विराजमान रहते हैं। तभी माँ का, माँ के साथ ही कौन कौन सा रूप आप यहाँ पे है अभी? ये दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, माँ बंदी है, सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ। अच्छा, ये हमारे बजरंगबली हैं, दक्षिण मुखी और पूर्व मुखी।
अच्छा दोनों मुखी हैं। हाँ दोनों मुखी हैं। हाँ दोनों मुखी हैं। बाजू में वो बेनी माधव है। धन्यवाद गुरु जी।